मैं आदरणीय राम प्रसाद चौधरी साहब से निवेदन करूंगा कि वो भी अपने बात अपने मीडिया के भाइयों के सामने और आप सबके सामने रखें। आज के इस मौके पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी मंच पर बैठे हमारे बीच सम्मानित नेता आदरणीय अहमद हसन साहब आदरणीय श्री इंद्रजीत सरोज जी हम लोगों के वरिष्ठ नेता श्री अवधेश प्रसाद जी मंच पर बैठे हम जिस धरती से आते हैं उस धरती के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री महेंद्र यादव जी यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित समाजवादी पार्टी के नेतागण और यहाँ उपस्थित आज जो हमारे बस्ती जनपद से पूर्व सांसद श्री अरविंद चौधरी जी पूर्व विधायक श्री दूधराम जी पूर्व विधायक श्री राजेंद्र चौधरी जी पूर्व विधायक श्री नंदू चौधरी जी और सभी सम्मानित मंच पर बैठे नेतागण यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित भाइयों आज एक खुशी का मौका है। मुझे इतनी खुशी है कि आज ये रामप्रसाद चौधरी जो कुछ है आदरणीय नेताजी की बदौलत देश की पार्लियामेंट में और लगातार 24 वर्षों से उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उनके संघर्षों के सन 1982-83 से और लेकर के पहली बार 27 वर्ष की उम्र में आदरणीय नेताजी ने संत कबीर नगर की धरती से मुझे पार्लियामेंट का टिकट देने का काम किया। उन दिनों लोकदल पार्टी और इतना भरपूर वोट खलीलाबाद की जनता ने दिया था कि 89 में आदरणीय नेताजी के आशीर्वाद से मैं देश की पार्लियामेंट में पहुंच गया। 93 में विधानसभा में आदरणीय नेताजी के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आया हो गया था कहीं गुमराह में लेकिन आज विश्वास दिलाता हूं नौजवान साथियों अंतिम दिनों तक ये समाजवादी पार्टी की जो टोपी है और ये जो समाजवादी पार्टी का झंडा है उसके लिए अंतिम सांसों तक संघर्ष करने का काम करूंगा। रामप्रसाद चौधरी आज हमारे मित्रों आज उत्तर प्रदेश की हालत को आपने देखा देश की हालत को देखा ये सरकार जो मौजूदा है ये जो मौजूदा सरकार है इसने किसानों को नौजवानों को छोटे व्यापारियों को कर्मचारियों को तमाम लुभावना नारा देने का काम किया। आज किसान को सरकार में आए तो उनकी आमदनी दूना करने की बात करते थे। हम पूछना चाहते आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अभी बोल रहे थे हमारे पत्रकार सारे सम्मानित लोग हैं अभी गोरखपुर में कह रहे थे हमने 3 वर्षों में आमदनी किसान की डेढ़ा करने का काम किया। हम पूछना चाहते तमाम हमारे हम समझते 90% इसमें किसान के बेटे आए कहां से किसान की आमदनी दूना करने का काम किया। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी ने जो गन्ने का रेट जहां भी छोड़ा था
एक नया पैसा भी आपने बढ़ाने का काम मुख्यमंत्री जी ने आपने नहीं किया। आप देख लीजिए, आप किसान परिवार से आते हैं, धान की खरीद 10% किसानों के जाती है, 1835 रुपया धान की कीमत, औने पौने दाम में 1300-1400 रुपया क्विंटल बेचने में किसान को मजबूर होना पड़ा है। इस सरकार ने 400-500 रुपया क्विंटल नुकसान उठाने का किसान आज काम किया है इस प्रदेश में। कहां से किसान की आमदनी दूना करने का? किसान की आमदनी तब दूना होगी जब आप किसान खेत पर लागत जो आती है उसको कम करने का काम करेंगे। आप उनके ट्रैक्टर का, उनके कल्टीवेटर का, उनके रोटरवेटर का, उनके खाद का, उनकी दवाओं का जब दाम कम करेंगे, उस पर लागत कम आएगी और सही बाजार में मूल्य मिलेगा, तब किसान की आमदनी। आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने शुरू किया था सिंचाई मुक्त करने का किसानों का, आज किसान के लागत से कमी आने का काम, सिंचाई मुक्त करने का, गन्ने की कीमत बढ़ाने का, धान का समर्थन मूल्य दिलाने का आदरणीय अखिलेश यादव जी ने शुरू करने का। और जो किसान के पैदावार है गेहूं धान, उसको मंडी समितियां शुरू, छोटे छोटे मंडी समितियों को शुरू करने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया था। लेकिन इस सरकार में जहां किसान के धान गेहूं के बिक्री के काम होते, उनके उत्पादन के बिक्री का काम होता, उसको ध्वस्त करने का मौजूदा सरकार आज के श्री योगी आदित्यनाथ ने करने का काम किया। इसलिए ज्यादा आज मौका नहीं, हम आज के समय बहुत बहुत स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए आदरणीय अखिलेश जी को हृदय से धन्यवाद कि हमारे देश के लोगों को आपने स्वीकार करने का काम किया है। हम हृदय से अपने हमारे सारे साथियों के तरफ से आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं, आपका आभार व्यक्त करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए जय हिंद, जय समाजवाद।